मलाई के भन्दैछ भाटिया है हम लोग गाँव का जो भांगा टूटा है ये लेते हैं और सब पहचानते इसलिए घर में बुला हेलो दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 9:30 हुए उस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके समझ में। सबसे पहले टीना मिल गया है, भाटिया है उनको टीना मिल गया थे, भांगापुर मिल गया देखिए। ये टीना बिक्री होता है यहाँ पे 20 रुपये किलो 18 रुपये किलो कुछ इस पर, जितना अच्छा टीना रहेगा उतना दाम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी का फिलहाल दूसरा ऐसा है, सुनसान है मेरे गाँव का, ठीक है। तो एक बात मैं जो भी कहता हूँ आपके सामने, वेलकम टू माय थापा ब्लॉग्स, आप सबको थापा ब्लॉग्स पे स्वागत है। मैं कृष्णा थापा आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो रख रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ज़रूर। ये देखिए रास्ता पूरा सुनसान है, यहाँ पे भी सुनसान है, देखिए एकदम कोई आदमी नहीं है। एक तो बाइक गया अभी मेरे सामने, कुछ ऐसा दूसरा है कि बारिश के चलते कंटिन्यू बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा सा हल्का सा रुका गया है, बारिश कंटिन्यू हो रहा है बारिश, ठीक है, कंटिन्यू दिन में रात में सब टाइम पे कंटिन्यू बारिश हो रहा है। अभी बारिश होने का संभावना बहुत है, देखिए आकाश में, देखिए आकाश, ठीक है। इस प्रकार दूसरे और बने रहिए, जो कुछ भी मेरे से होता है मेरे से बनता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और हमेशा कोशिश करता ही रहूँगा, ठीक है। तब तक भी बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। तो मैंने मस्त खा लिया, खाने का मन किया, मीट मछली क्या क्या चबाया, देखिए बहुत छुट्टी है मेरे लिए, देखने में सीधा साधा लेकिन बहुत बदमाश और कह रहे आप लोग पैसा अच्छा सा कह रहे यहाँ हेर्नु के भन्दैछ आमा मलाई के भन्दैछ मलाई के भन्दैछ दस रुपियाँ पैसा खायो दि बोतल दिनु माको दुध लिने जान अब दिदी घर पे दिनुहोस् न बोतल दिनुहोस् न दिदी घर में जा रहा मैं जम्मा ठीक है के अरे क्या कर रही है ये बाबा के भएको ये बाबा यही भएको इधर जाने डर लगता है देखिए उन्हें कि बैठा हुआ है वो डेंजरस औरत है ये देखिए थोपड़ा इसका थोड़ा दिखाता ये क्या चीज़ का मुंडा है दोस्तों ये कौन सा घास है कौन सा प्लांट है देखिए मेरे घर का ठीक बरामदे पे है आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ का मुंडा है इस प्रकार से ऐसा ये भी मुंडा है देखिए सब मुंडा फल है खाने का चीज़ है ये इसका मैं आप बताता हूँ अभी लास्ट में इस कांच को इसमें जो चीज़ फल पकते हैं जो सब्जियां होते हैं उसको घेरौला कहते हैं और हिंदी और इंग्लिश में तो क्या कहते हैं मालूम नहीं है मेरे को इसको कहते हैं घेरौला ठीक है इसमें ये मुंडा भी खाया जा सकता है इसको इसको तोड़ के खाया जा सकता है बहुत अच्छा होता है नरम नरम कोपिला सा ठीक है इसे ऐसा रहता है ये चीन भी टूट गया है खाना खजाने का देखिए सब टूट गया भिंडी के गाँव भिंडी का अभी तो ऐसा हो गया खाना खजाना खराब हो गया यहाँ पे मिर्ची तो मौसम निकाली है
यो सीमान्त गाउँ चाहिँ फसेको मुन्टा फसेको मुन्टा ऐसे तो जा रहे बारिश का मौसम थे हरा भरा से सभी ग्रीनरी बहुत अच्छी प्रकार से दिखाई दे खाना खजाने का दृश्य में आपको बारिश के टाइम में फूल है मैरीगोल्ड फ्लावर का गाछ मैरीगोल्ड फ्लावर गाछ है अभी तो सीजन नहीं है अभी अक्टूबर में होगा सो अक्टूबर आ रहा है तब ये बहुत फूल पीला वाला जो फूल को कहते हैं मैरीगोल्ड जो हम लोग का फ्लावर है नेपाल को ठीक है देखिए सुपारी गाछ तो सुपारी तो इस बार फला ही नहीं है सुपारी बहुत कम है देखिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं लगा है फूल भी क्या सुपारी होगा या नहीं होगा मालूम नहीं देखे कैसा है चार ठो गाछी है अभी मैं किचन में घुसा हूँ क्या बन रहा है आज में आज ये खाली कढ़ाई कुछ किनीमा आलूदम कुछ मसाले हैं यहाँ पे एक किनीमा बना हुआ देखिए ऐसा है आज का डिनर भी लंच बिल्कुल ऐसे है मेरा किचन दुकान को हम लोग किचन बनाए ये दुकान अभी 3 बजे बाद में खुलेंगे आफ्टर 3 PM ठीक है मोमो का दुकान है ये के गर्नु भन्नु न के लाउनु अरे हाँ फ्रिजबाट खुसानी रगोला खुसानी ठीक है हम लोग फ्रिज है खोलता हूँ कहाँ पे है ये तो सब्जी का तो पूरा खाली है और यहाँ पे देखिए सब ऐसा है फ्रिज हम लोग का ये है हरा खुरसानी अच्छा खुरसानी यहाँ पे इसके लिए इसको मंगाया था मैं लेके जा रहा हूँ बंद हो जा ये रहा खुरसानी कहाँ पे रख दूँ यहाँ पे रख देता हूँ देखिए ग्रीन चिल्ली तीखा हुआ इसमें रहती है कोई भी तीखा रहता है कोई तीखा नहीं रहता है कोई तो भयंकर तीखा रहता है वो मैं भी नहीं खा सकता हूँ जो नॉर्मल तीखा रहता है वो मैं खा सकता हूँ कुछ बनाएंगे अंडा भी है अंडा बॉईल किया हुआ है देखिए अंडा 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 आओ सिक्का हूँ कहाँ गया ये भाई नहीं गिरा आओ सिक्का हूँ तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे मामूली बंदा इसमें छिपा है जीवन का फलसफा अंडा में अंडा अंडा वंडा में फंडा ए आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा अंडे का बहुत ही फंडा है दोस्तों बहुत ही फंडा तंदुरुस्त चिराएगा क्या करे वो चिराएगा अब अंडा करी है नीमा है आलूदम है सब बनेगा क्या क्या मिला आज देखें टीना लोहा तो लोहा है ना टीना लोहा दबड़ा प्लास्टिक पाइप डार्किन सब मिल गया तो शायद तौर पर है ना यो क्या चलता है अभी कैसा टीना कैसे किलो 20 रुपया ठीक है हम लोग भी 20 में बेचा था उधर 20 रुपये बेचा था इसमें क्या है प्लास्टिक बोतल प्लास्टिक 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 कैसे दिया 12 सबसे हाई 12 रुपये अच्छा 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 ये प्लास्टिक है इसका 12 रुपये किलो कह रहा है टीना का 20 रुपये है टीना का कौन है के भन्नु शान्तिले चाहिँ बच्चाहरू गाडी कितना बडा जात हाम्रो गाउँमा देखे पुरा बारिस गिरेको लाग्दा देखे पुरा कितना इसका 4 रुपये किलो 4 रुपये खालि किलो खिचा है तो तुम बोलो ना खालि हाँ ये भी कम और गेट बंद करो बकरी चला गया बकरी का बच्चा देखे चला आ बाहर चला गया बंद कर दो बंद बंद
और हम जी जी जा रहे हैं स्कूटी पे, दिख रहे हैं बंद कर दो अच्छा से। भाटिया का तो आज गोटी लाल हो गया देखो भाटिया का कति को माल भाई शांति 160 160 में सब कुछ दिया 160 रुपये में दोस्तों ये सब मिल गया भाटे का देखे टीना प्लास्टिक लोहा जारकिन बाल्टी बॉकेट सब मिल गया 160 ओनली 160 रुपये में देखे इतना सारा सामान ठीक है। हम लोग भाटे का खुश है खुश है बहुत खुश है भाटिया भाटिया सब भन्दा बेस्ट भाटिया हाम्रो का दबाओ दबाओ तपाईँको नातिनीले एक ठो बोतल आ गया देखिए एक ठो बोतल आ गया भाई ने एक ठो बोतल डाल दिया आपको देखो फायदा हो गया एक ठो बोतल ले सब जा रहे सब तो गिरा दिया आप छोटा मोटा उठाओ उसको उठाओ उठाओ। और मेरा दुकान बंद है 3 बजे बाद खुलेंगे मेरी दुकान। और रास्ते में तो बिल्कुल भी आदमी लोग नहीं है सुनसान है बारिश की वजह से। सीता चल रहा है इसका नाम सीता है या सीधा है मालूम नहीं क्या नाम है। बाटे उठा रहे सामान गिरा दिया ना ये उठाने के चक्कर में। अब लेके जा रहे भाटिया इनका नाम भाटिया है और हम लोग गाँव का जो भांगा टूटा है ये लेते हैं और सब पहचानते हैं इसलिए घर में बुला बुला के देते हैं। हाँ दादा एक बज चुका है खाना खाने देखो एक बज गया एरिया हाँ इसलिए तो बोल रहा जान पहचान वाला आदमी सब बुला बुला के घर में देता है। ठीक है ठीक है जाइए अच्छा से लेके जाइए। हाँ पार्सल आया फ्लिपकार्ट से क्या है मेरे मालूम में ला के रख दिया था यहाँ पे जब मैं सो रहा था। दोस्तों पूरा बारिश के चलते कुछ काम भी नहीं हो रहा है। ठीक है दिन में बारिश रात में बारिश सारा दिन रात बारिश 24 घंटा बारिश ही बारिश कंटिन्यू 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रहा है। अब असार का मास महीना भी लग गया ना इस असार का महीना में तो बारिश कंटिन्यू लगता है असार सावन उसे भादव में थोड़ा कम पड़ता है बारिश है हमें को ऐसा मालूम है भादव में थोड़ा कम पड़ता है और असा सावन में तो बहुत भयंकर बारिश होता है इसी वक्त आदमी लोग का घर या डूबो कहीं भी हो जाता है तो क्या करें। तो ये पार्सल क्या है मैं देखता हूँ ठीक है आप लोग देखिए फूल जा रहा है के हो पार्सल हो मैं खोले क्या और खोल इधर खोलते हैं खुल जा खुल जा क्या है ये देखिए कुछ तो निकला अंदर से कुछ तो निकला टी शर्ट है क्या हमारा है क्या ओ कस हो व्हाट इज दिस ओ दिस हाफ पैंट फॉर मी फॉर माई सेल्फ हाफ पैंट अच्छा लगा दोस्तों हाफ पैंट है देखिए हाफ पैंट इंजर वाला आप है ना देखने ऐसे ओ ये मलाई हो हाँ लगा दूँ ओ ये मलाई हो मैं बोल मैं लगा दूँ फिर आज कौन किन दे दो आप है नेवरी मुसल किन से बंद तेरे किन दे क्या मेरा बड़ा बेटी मेरे को हापेन खरीदे कर कह रहे थे शायद वही भेजा होगा वो तो चले गई है
ओए कसको हाफ प्यान्ट मर्न हो कस्तो नबोलेको कुछ बोल्ने रहेछ कसको हाफ प्यान्ट किसका है मेरो हो क्या बोलूँ दोस्तों ये भी दूसरा का हाफ प्यान्ट निकला मेरा नहीं है रख देता हूँ ना अपन का नहीं है तो क्या करे दूसरा का आप इनको मैं सोचा बेटी ने मेरे भेज दिया है नहीं दूसरा का है रख देता हूँ अपने पड़ेगा हाँ रखना ही पड़ेगा दोस्तों दिल पे पत्थर रख के फिर इसको फोल्ड कर रहा हूँ इसके अंदर डाल रहा हूँ रख दूंगा ये मेरा सालों का है साला अभी साल मेरा है नहीं मेरा तो कुछ भी आता नहीं दोस्तों खाली उसके आता है क्या बोले अच्छा लग रहा था वो भी चला ये देखिए दोस्तों बारिश ही बारिश पूरा देखिए अभी बारिश आ रहा है ये देखिए बारिश कंटिन्यू बारिश हो रहा है दो तीन दिन से कंटिन्यू सुबह शाम दोपहर को रात को ठीक है ऐसा है रास्ता देख सुनसान है मैंने आप उस टाइम दिखाया था रास्ता तो मेरा दुकान खुल चुका अभी मैं खुला हूँ दुकान का अपना ठीक है यहाँ पे मोमो भी बिक्री होता है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मोमो मिलता है आप लोग अगर खाने का इरादा है तो ज़रूर आइएगा मेरे इस एड्रेस पे कोटा मेटे बस्ती पे मिल जाएगा ठीक है थापा ब्लॉक कुछ ऐसा नज़ारे हैं देखें बारिश में बहुत सारा बारिश आ रहा है कंटिन्यू बारिश हो रहा है कंटिन्यू तो आजकल तो ब्लॉग कुछ ऐसे था रैंडम से था दोस्तों हाँ मैंने बनाया जैसे तैसे करके आप लोगों को मनोरंजन करने के खातिर में बनाया ताकि आप लोगों को अच्छा लगे बोरियत बोरियत कुछ भी ना लगे इस प्रकार से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया और इस प्रकार से अंत कर रहा हूँ और ज़्यादा ना कहते हुए आप सबसे विदा लूँगा ठीक है दोस्तों बाय बाय गुड बाय नमस्ते सलाम डोंट वरी बी हैप्पी इन योर लाइफ Always have a great fun and always have a great time. Tata, bye. See you in our next video.